स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को जरूर देखें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम है। और टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रो टॉलविन। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। और आरडीएक्स का एक अन्य नाम भी होता है, उसे कहते हैं साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। आगे देखते दोस्तों, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है ट्राइनाइट्रोग्लिसरिन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरिन। डीडीटी जो कीटनाशक होता है वो बनाया जाता है क्लोरल से। डीडीटी किससे बनाया जाता है दोस्तों? क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पीच ब्लेड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पीच ब्लेड। और फेराडा किसकी इकाई है? धारिता की। फेराडा किसकी इकाई है? तो वह धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है किससे? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पडिन ने करा था। और पोर्टलैंड सीमेंट किससे मिलकर बना होता है? चूना सिलिका और एल्यूमिना से। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख अवयव है चूना सिलिका और एलुमिना। पीतल एक मिश्रित धातु है, किस किस से मिलकर बने होते हैं पीतल? तो तांबे और जस्ता से। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो तांबा धातु मिलाया जाता है। सोने के आभूषण को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम। इसे AU से दर्शाते हैं। सोने का लैटिन नाम है, रासायनिक नाम है ओरम। और चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम। इसे Ag से दर्शाते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल का। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल का। बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेकिंग सोडे का, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कपड़े के जो धब्बे लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगर कोई दाग लग जाए जो हटने आ रहा हो या मुश्किल से हटे, तो ऑक्जेलिक अम्ल से उसे हटा सकते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित करते हैं। और पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि के द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किससे अलग करते हैं? भंजक आसवन विधि के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। और गैसोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल इथेनॉल का। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10 मीटर होती है। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु में एक नाभिक होता है, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10^-15 मीटर। तो दोस्तों 1 जूल किसके बराबर होता है? 10^7 अर्ग के। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन के।
एक माइक्रोन किसके बराबर होगा? 0.001 mm के। और वेल्डिंग में प्रयोग कौन सी गैस होती है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन। वेल्डिंग में प्रयोग गैस होती है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन से है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? यीस्ट का। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिए।